सर इसका आंसर 41 है सर। हाँ 41 है, वेरी गुड। कैसे आया ये? इसमें 2 2 प्लस करना है सर, 21 में 2 प्लस करे तो 23, 23 में 2 प्लस करे तो 27। 21 में 2 प्लस किया तो 23, 23 में 4 प्लस करेंगे, 4 करेंगे सर, 4 प्लस करे तो 27, फिर उसमें 6 प्लस करना है, फिर उसमें 8 प्लस करना है सर। ये सीरीज देखेंगे 2 4 6 6, ये सीरीज देखेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब इसमें नहीं, इसमें 8 ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला 51 हो जाएगा, 10 ऐड करेंगे, ठीक है। यस सर, ऑप्शन बी राइट है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें बताइए क्या आ जाएगा। इसमें भी वैसे चेक करेंगे, इसमें क्या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। कितने से डिक्रीज हुआ? यस 1 से। फिर ये कितने से डिक्रीज हुआ? कितने से? 67 माइनस 64, 3 से। फिर ये कितने से डिक्रीज हुआ? 5 से। 5 से। तो इन नंबर्स का कोई रिलेशन है आपस में? यस सर, इसमें 7 ऐड करना है। वेरी गुड, 7 ऐड नहीं करना है। यस माइनस 56 सर, डी है सर, माइनस करना है इसमें, ठीक है। यस सर, आंसर डी 56। 56 कैसे आएगा? 59 में से 7 माइनस करना है ना, 7 प्लस 2 9, 52 आएगा ना। 52, ओह सॉरी सॉरी, 52। यस सर, आंसर ए, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट देखते हैं, क्या हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, अभी इसको देखेंगे आप। अच्छा, कब कैसे पता चलेगा कि ये डिफरेंट है या नहीं है, ठीक है। तो जो अपना तरीका है वो तरीका चेक करेंगे, अगर उसमें थोड़ा सा भी शक आ रहा है, यानी उसमें रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो समझ जाना है कि ये कुछ अलग है, ठीक है। जैसे इसमें डिफरेंस देखेंगे क्या आएगा, 4। इसमें इसमें डिफरेंस देखेंगे, फिर 2। फिर डिफरेंस देखेंगे 8। फिर डिफरेंस देखेंगे 14, ठीक है। डिफरेंस देखेंगे 24। तो अभी इसमें देखिए, इन सब में देखेंगे कोई रिलेशन आ रहा है, 2 है, 4 है, फिर 2 है, फिर 8 है, फिर 14 है, फिर 14 के बाद 24 है, ठीक है। तो क्या कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। 2 के बाद इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 2 आ रहा है, फिर डिफरेंस देखेंगे तो फिर माइनस का 2 आ जा रहा है, ये माइनस, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 है, ठीक है। फिर डिफरेंस देखेंगे तो 6 का आ जा रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई भी अगर टेबल भी पढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी नहीं आ रहा है सेम, इसका मतलब ये थोड़ा सा अलग है। ये 2 माइनस का हुआ क्या सर? माइनस का 2 क्या हो गया? माइनस का 2 ऐसे हुआ कि वो ज्यादा है, 0 माइनस 2 करेंगे, ठीक है। 2 में से 0 घटाएंगे ना, 2 में से 0 घटाएंगे, सॉरी यहाँ पे जो पहले था, पहले वाला लाते हैं फिर से, इसमें क्या था, 2 था, फिर 4 था, फिर 6 2 8 8 8 16 16 14 30 30 और 24 54, ठीक है। इसमें से जब माइनस करते हैं, जब 2 से माइनस, 2 में से 0 माइनस किया तो 2 आया, 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आया, 8 में से 6 माइनस तो 4 में से जब 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2, ठीक है, इन दोनों का। लेकिन जब 2 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 4 क्या आता है, माइनस का 2 आता है, ठीक है, माइनस का 2। इन दोनों का फिर करेंगे, 8 माइनस 2 6 आ जाएगा, 14 माइनस 8 6, ठीक है जी, 24 माइनस 14 10 आ जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 2 6 6 10, तो ये कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि वो जो सबसे इजी मेथड है जिससे हम लोग अब तक कर रहे हैं, वो मेथड यहाँ पे नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो क्या लगेगा, कुछ तो भी है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम जोड़ के देखेंगे, ठीक है, जोड़ के देखेंगे क्या इन दोनों को जोड़ने से ये आ रहा है क्या, या इन दोनों को जोड़ने से, इन दोनों को जोड़ने से फिर ये आ रहा है क्या, ठीक है। तो 0 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 6 नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी तरीका नहीं चलेगा, ठीक है, वो दूसरा तरीका। फिर थर्ड हम सोचेंगे, थर्ड तरीका क्या है, 3 3 को जोड़ के आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 0 प्लस 2 2 2 प्लस 6 8 आ जा रहा है, ठीक है।
यस तीन को जोड़ा तो अब फिर इन तीन को जोड़ेंगे तो ये आ रहा है क्या, तो 6 + 2 = 8, 8 + 8 = 16 आ गया, ठीक है। फिर अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा क्या, ये 6 + 8 = 14, 14 + 16 = 30, ये भी आ रहा है। फिर इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 को नहीं प्लस करना सर, 2 को छोड़ के तीनों को प्लस करना, 2 को नहीं करना सर, 2 को एक नहीं करना, 2 को भी तो करना है, 2 को भी तो अच्छा, क्या प्लस 2 6 8। तो पहले हमने दो डिजिट लेकर ट्राई किया, 0 + 2 = 6 नहीं आता है, ठीक है। तब हमने तीन डिजिट लेकर ट्राई किया, 0 + 2 + 6 क्या आ जाएगा, 8 आ रहा है, ये आ रहा है 8 नेक्स्ट लेटर, ठीक है। अब फिर इन तीनों को ऐड करने पे ये आएगा क्या, 6 + 2 + 8 = 16 आएगा। फिर इन तीनों को ऐड करने पे ये आएगा क्या, 8 + 6 = 14, 14 + 6 आएगा। फिर इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा क्या, ठीक है, 16 + 8 कितना हो जाएगा, 24 और 30 54 आ जा रहा है, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, 30 + 10 = 40 + 6 = 46, 46 + 54 क्या आ जाएगा, 6 + 4 = 10, 0 + 1 = 5, 4 + 9 + 1 = 10, ठीक है, 100 तो 100 आ जाएगा। तो ये हमने तीन जगह चेक किया, फर्स्ट 0 2 6 को ऐड किया, फिर सेकंड टाइम 6 2 6 8 को ऐड किया, फिर थर्ड टाइम 6 8 16 को ऐड किया, फिर 8 16 30 को ऐड किया, तब जाके फाइनली हमारा ये लास्ट वाला आंसर आया। 4 टाइम्स हमने हमारा जो थिंकिंग है, जो हमने सोचा है, वो 4 बार सही आया, तो 5वीं बार भी सही आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके सोचना है, समझ में आया, यस सर, बस सोचने का ही खेल है, जहनी आजमाइश है ये, जहनी आजमाइश, ठीक है, जहन की आजमाइश है हमारा। चलिए इसमें देखते हैं, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, देख रहे हैं, 4 4 के बाद डैश है, उसके बाद 144 के बाद सीधा 400 400 सीधा 900, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसमें, इसमें मल्टीपल या डिवीजन, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, क्या हो सकता है इसमें, नो आइडिया सर, नो आइडिया। No, इसमें क्या है, ये 144, 400, 900, 1764, ठीक है, ये क्या है, ये 4 क्या हो सकता है, 4 क्या हो सकता है, 4 क्या है, 2 × 2 होता है, या फिर 2 + 2 होता है, और एक और चीज होता है, 2 का स्क्वायर भी होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और फिर ये किस, ये भी स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है, ये सारे स्क्वायर दिख रहे हैं, 1764 ये भी स्क्वायर है, ठीक है, ये सारे स्क्वायर है, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे जगह खाली है, फिर ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, इतना इसको नहीं भी देखेंगे तो भी इधर कर सकते हैं, ठीक है, 2 के बाद बीच में गैप है, फिर 12 है, फिर 20 है, फिर 30 है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कितने का डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं, 1764 किसका किसका ये स्क्वायर है, चेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना आता है, यस सर, ओके, कितना आएगा, 1764 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 4 4 16, 4 4 4 8, 164, 2 2 4, 2 8 16, ठीक है, 42 का स्क्वायर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 12, ठीक है, तो 8 10 12, यानी यहाँ पे 6 आना चाहिए डिफरेंस, सिक्स आना चाहिए, इन दोनों का 6 आना चाहिए और इन दोनों का 4 आना चाहिए, ठीक है, 4, 6, 8. तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 6 का स्क्वायर आ जाएगा, 6 और 6 = 12 का स्क्वायर हो गया, 12 8 20, 20 10 30, 30 12 42, सही है, बोला सुनील, समझ में आ रहा नहीं आया, यस सर, नो, समझ नहीं आ गया, समझ गए, तो क्या हो जाएगा आंसर, 6 का स्क्वायर 36, नहीं आया तो फिर से बता सकते हैं, फिर से बताएं, नो सर, नहीं समझ, यस 36 राइट, तो मैंने क्या बोला, जब ये ज्यादा डिफरेंस आए ना, जब हमारे नंबर सीरीज में ज्यादा डिफरेंस हो तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये प्लस माइनस का गेम नहीं है, कौन सा गेम है, मल्टीप्लाई डिवीजन का गेम, ठीक है,
समझ में, जब ज्यादा डिफरेंस दिखे तो समझ जाना चाहिए कि मल्टीप्लाई डिफरेंस का गेम चल रहा है, ठीक है। तो इसमें टू से टू मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 × 12 है, ये 20 × 20 है, ये 30 × 30 है, ये 42 × 42 है, ठीक है। अब ये कैसे कैसे चेंज हो रहा है वो देख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस तो पता नहीं, इन दोनों का भी पता नहीं, लेकिन इन दोनों का पता है कि 8 डिफरेंस है, 12 × 8 = 20, और 20 और 10 = 30 होता है, और 30 और 12 = 42 होता है। तो 8 + 10 = 12, इसके हिसाब से देखेंगे तो कितना, 2 का डिफरेंस है, सब में 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 2 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 + 4 करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 + 6 करेंगे तो ये 12 आ गया, 12 + 8 करेंगे तो 20 आ गया, 20 + 10 = 30 आ गया, 30 + 12 = 42, हमारा सीरीज कम्प्लीट हो रहा है, ठीक है। तो 6 × 6 हमारा आंसर आ जाएगा 36, ओके 36 जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आदात की सीरीज मुकम्मल कीजिए, ठीक है। ये ज्यादा डिफरेंस है, कम डिफरेंस है, कम है, ठीक है। 2 और 10 में क्या डिफरेंस है, 8 का, 10 और 30 में कितना है, 20 का, 30 + 10 = 30, 30 और 68 में 38 का, ठीक है। तो कुछ बन रहा है क्या, कोई चीज बन रहा है यहाँ पे, कुछ कुछ रिलेशन आ रहा है इन सब में? नो सर, 8, 20, 38 आ गया दादा। एट 20 38 में कोई रिलेशन नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला हमारा काम नहीं करेगा, कुछ और देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या देख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस सर, मल्टीप्लाई कर, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, क्या आएगा, कुछ आइडिया लग रहा है? ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे का, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 = 10, 10 × 3 = 30, 30 का कोई डिवीजन इसका है नहीं, 30 से ये कटेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई भी हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर तो है नहीं ये, ठीक है। ये 3 का 1 × 1 = 1 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 27, ठीक है। ये 4 का क्यूब 4 × 4 = 16, 4 × 64, सब नजदीक आ रहा है इसके, ठीक है। स्क्वायर के नजदीक तो नहीं आ रहा है, लेकिन क्यूब के नजदीक आ रहा है, कैसे, अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 3 × 9, तो ये नजदीक में नहीं आ रहा, 30 के पास नहीं है, 4 भी 6 के पास नहीं है, 1 तो 2 के पास है, लेकिन 2 × 2 = 4 इसके पास नहीं है, 30 इसके पास नहीं है। तो क्या चेक करेंगे फिर, हम क्यूब चेक करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लिया, माइनस करके देख लिया, ठीक है, घटा के देख लिया, 8, 10 और 38 कोई रिलेशन नहीं आ रहा था, मल्टीप्लाई करके देखा, ये इसको डिवाइड ही नहीं कर सकता, ठीक है। स्क्वायर करके देखा तो भी इसके आसपास नहीं है, इसके आसपास आना चाहिए नंबर, तभी उसमें कुछ जोड़ के कुछ घटा के कर सकते हैं, लेकिन अगर क्यूब करेंगे तो बिल्कुल इसके पास आ रहा है, कैसे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 × 9 = 27 आएगा, और 4 का क्यूब करेंगे तो 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64 आएगा, सब पास में है इसके, ठीक है। 2 1 और 2 पास है, 8 और 10 पास है, 27 और 30 पास है, 68 64 पास है, ठीक है। कितना डिफरेंस है दोनों में, 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, 1, 8 और 10 में क्या डिफरेंस है, 2, 27 और 30 में क्या डिफरेंस है, 3, 64 और 68 में क्या डिफरेंस है, 4, तो देखो डिफरेंस भी सेम सेम आ रहा है, 1, 2, 3, 4, तो अब जो हमारा नंबर आएगा ये 4 का स्क्वायर था, तो 5 का क्यूब आएगा, और उसमें हम क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ देंगे, ठीक है, 5 के क्यूब में 5 जोड़ेंगे, 4 के क्यूब में 4 जोड़ा था तो 68 आया, 3 के क्यूब में 3 जोड़ा तो 27 से 30 हो गया, 2 के क्यूब में 2 जोड़ा तो 8 से 10 हो गया, 1 के क्यूब में 1 जोड़ा तो 2 हो गया, ठीक है। उसी तरह 5 के क्यूब में 5 जोड़ना है, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 + 5, कितना आ जाएगा, 130 बी आंसर, ठीक है, समझ में आया, यस सर। कैसे अप्रोच करना है वही मेन है, ठीक है, इसमें कोई भी चीज रट नहीं सकता आदमी, ठीक है, याद नहीं कर सकता, यस सर, इसमें सिर्फ तरीके समझ सकते हैं, हाँ मैंने 10 तरीकों से ये, मैंने जैसे 15 क्वेश्चन है इसमें,
तो मुख्तलिफ तरीकों से अगर हम करेंगे तो हमारे जहन में रहेगा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये सारी चीजें फटाक से विद इन सेकेंड हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट दो मिनट लगता है लेकिन पता चल जाता है। ठीक है, तो पहले हम आसान तरीके से चेक करते हैं प्लस माइनस करके, फिर उससे थोड़ा सा टफ होता है मल्टीप्लाई डिवाइड करके, नहीं तो स्क्वायर करके, ठीक है, नहीं तो क्यूब करके, ये चार तरीके हैं। ठीक है, इन्हीं चार पांच तरीकों में से कोई ना कोई एक सेट हो जाता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16, 11, 21, 36, 56 अभी अभी को नजदीक नजदीक है, डिफरेंस देख लेते हैं। 6, 5, 11, 11, 10, 21, 21 और 15, 36, 21, 10, 31 और 5, 36 इसमें साफ साफ दिख रहा है 36 और 20, 56 साफ दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा नेक्स्ट, कितना डिफरेंस होगा नेक्स्ट का? 25 सर, 5, 10, 15, 20, 25 अप। आसान सवाल आते हैं, ठीक है, बहुत टफ नहीं आता है, आसान ही आता है। ठीक है, ये जो चार पांच तरीके बताए ना, प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई, डिवाइड या स्क्वायर या फिर क्यूब, बस इसी पांच तरीके में है, कोई ना कोई तरीका सेट हो जाता है। ठीक है, अभी देखिए क्या है यहाँ पे, 8, 14, 26, 44, 68, ठीक है, डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, आंसर भी देखना है, आंसर भी बहुत ही करीब है 68 से। ठीक है, तो इसमें देखेंगे डिफरेंस क्या आ जाएगा, 8, 6, 14, 14 और 26 में क्या डिफरेंस आएगा, 4, 2, 6, 21। ठीक है, 26 और 44 में क्या डिफरेंस आ जाएगा, 8, 6, 14, 3, 2, 1, 3। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4, 4, 8, 4, 2, 6 दिख रहा है, बहुत इजीली दिख रहा होगा ये। यस, 6 का टेबल है ये। ठीक है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 25, 6 5 30। ठीक है, अब इसमें 30 ऐड कर दिया, आ जाएगा आंसर 8, 6, 3, 9, 98। बस इतना ही करना है, एक नंबर आपके। ठीक है, तीन क्वेश्चन तो पक्का है डीएलएड में, तीन क्वेश्चन तो नंबर सीरीज का आता ही आता है सर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये बढ़ के फिर घट गया है, 3, 9, फिर 6 हो गया, फिर 36, फिर 30। ठीक है, कुछ लोचा है इसमें, और आंसर देखिए कितना बड़ा है, आंसर देख रहा है 30 के बाद सीधा 800, 400, 900, 950। तो क्या हो सकता है इसमें, क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, तभी मल्टीप्लाई होगा तभी इतना बढ़ेगा। ठीक है, तो 3 और 3 में क्या है, मल्टीप्लाई डिवीजन क्या है, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और इन दोनों में क्या आएगा, ये दोनों में मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, कम हो रहा है तो डिवाइड भी नहीं होगा, 6 से 9 डिवाइड नहीं हो सकता, कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 9 से अगर माइनस करेंगे तो 9 माइनस 3, 6 आ जा रहा है। एक बार ये 3, 3 6 है, इसमें से माइनस करने पर 6 आ रहा है, और फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 6, 6 36। ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे 6 तो क्या आ जाएगा, 30। अब बताओ क्या समझ में आया इससे, उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करना है और एक बार सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई करना है, दूसरी बार सब्सट्रैक्ट करना है, और ये नंबर कैसे बढ़ रहा है, 3, 3 2 6। अब क्या आ जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 9, वही नंबर जो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है यही नंबर है। ठीक है, 3, 3 3 9। ठीक है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 30 से ही होगा। ठीक है, ये जो नंबर आ रहा है इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो नंबर आ रहा है घटाने के बाद उसी से मल्टीप्लाई होकर अगला नंबर आ रहा है। ठीक है, समझ आई बात, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अभी मल्टीप्लाई का चांस है। ठीक है, एक बार प्लस, एक बार मल्टीप्लाई करना है, दूसरी बार माइनस करना है, तो ये चांस किसका है, मल्टीप्लाई का चांस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3, 3, 9 और 00, 900 आ गया। अगला नंबर क्या आ जाएगा, अगला नंबर कोई बता सकता है, आंसर तो 900 आ गया, लेकिन इसके बाद का नंबर क्या आएगा, मान लो अगला क्वेश्चन है ये 900 दिया हुआ, यहाँ पे डैश है, क्या आएगा अगला नंबर, 90 में से क्या माइनस करेंगे, वही माइनस करेंगे जो इससे पहले मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है,
क्या माइनस हो जाएगा, माइनस 36, माइनस 30, ये 30, 6 से मल्टीप्लाई किया 6 माइनस किया, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस किया, अभी 30 से मल्टीप्लाई किया तो 30 ही माइनस हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 870, ठीक है, समझ आई बात? यस सर, ओके, कुछ नया नहीं था उतना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, एकदम सिंपल तो नहीं आएगा, क्योंकि एकदम सिंपल आएगा तो हर आदमी कर देगा, ठीक है, तो बिल्कुल बीच बीच का आएगा, ना बहुत टफ आएगा ना बहुत आसान आता है, बीच बीच का आता है मानो का एग्जाम, ठीक है, क्या है अभी क्या है, घट रहा है, ठीक है, क्या सब्सट्रैक्ट, बी आंसर सर, क्या हो जाएगा 26, कैसे सर, यहाँ पर दो दो घट रहा ना, दो माइनस टू 36 माइनस 34, 34 माइनस 4 30, 30 माइनस 2 28, 28 माइनस 4 24, कितना घटेगा, कितना घटेगा, 2 या 4, 2 घटेगा सर, 2 घटेगा, ठीक है, 2 घटेगा सर, 2 घटाना है, तो क्या हो जाएगा 22, 6 नहीं है, 22, हाँ 22, घट रहा है ना, वैसे भी तो घट रहा है, तो इससे बड़ा नहीं आ सकता, छोटा ही आएगा, आप 20 बोल सकते थे, 20 बोल सकते थे, या अभी 22 बोल सकते थे, ठीक है, या तो 4 घटेगा या 2 घटेगा, ठीक है, दो का नंबर है इस बार तो दो ही घटेगा, ठीक है, चार तो घट चुका है पहले, ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा 22, ठीक है, 26 और 23 तो हो ही नहीं सकता, या तो 20 होगा या तो 22 होगा, या तो दो घटेगा तो चार घटेगा, नंबर दो का ऐसे दो घटा रहे हैं, 22 आंसर आ जाएगा, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी घट रहा है, सब बहुत थोड़े थोड़े से घट रहा है, ज्यादा ज्यादा नहीं घट रहा है, ठीक है, 97 माइनस 97, 90 माइनस 76 कितना हो जाएगा, 6 4 10, ठीक है, 7 और 1 8, इन दोनों का डिफरेंस 76 में से 55 माइनस कीजिए, 6 5 11, 5 और 2 7, देख के समझ में आ रहा होगा क्या है रिलेशन, 7 का टेबल चल रहा है, 28 यस सर, अभी क्या आ जाएगा, 28 माइनस करना है, प्लस मत कर दीजिए, ठीक है, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 55 में से 28 माइनस करना है, क्या आ जाएगा, 8 7 15, यहाँ 4 बचा 2 2 4, 27 सर, 27 आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है, यस सर, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 1 6 15, बीच में ये खाली जगह है, 45 66 91, क्या आ जाएगा, डिफरेंस ही है, 1 में सिर्फ 6 गया 5 बचा, इसका डिफरेंस 9 है, 9 9 6 15, इसका नहीं मालूम, इसका नहीं मालूम, इसका क्या है, 45 10 55 10 65 30 21 आ रहा है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 25, 6 5 11 8, 25, क्या आ सकता है, 5 है 9 है, बीच में 2 जगह खाली है, फिर 21 फिर 25, 5 4 9, देखो 4 का डिफरेंस है, इन दोनों का 4 है, इन दोनों का भी डिफरेंस 4 है, इसका मतलब 4 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है, यस सर, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, ठीक है, समझ आई बात जी, यस सर, क्या आ जाएगा आंसर, क्या होगा आंसर, क्या होगा, समझ में आ गया तो आंसर तो बताओ, क्या हुआ, कितना डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है, क्या आएगा यहाँ पे, सना जी सर, बोलो ना क्या आएगा, अरे 1 है 6 है 15 है, बढ़ रहा है ना, डिफरेंस पता चल गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 9 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 13 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 17 है, फिर 21 है, फिर 25 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 28 है सर आंसर, 28 है सर, वेरी गुड, ठीक है, 15 में 13 ऐड कर देंगे, 28, 28, ठीक है, 12 देख लेते हैं, इसमें भी वैसे ही है, कितना है, 6 5 11 11 और 10 21 और 2 12, ठीक है, इन दोनों में कितना है, 3 और 4 7, 2 और 2 4, इन दोनों में कितना है, 7 और 8 15, 8 बचा 4 और 4 8, अब बोलो क्या रिलेशन आ रहा है, 6 का टेबल है ये, 6 का टेबल नहीं है, नहीं है, 6 on the 6, 6 plus 6, 6 3 18 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 24 है,
ठीक है, सिक्स इंटू टू है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, सिक्स टू जो ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जो ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर टू जो फोर्टी एट, तो अगला क्या आएगा, फोर्टी एट इंटू टू क्या आ जाएगा, फोर्टी एट टू जो नाइन्टी सिक्स, ठीक है यस सर, तो आंसर क्या आएगा, बस दो क्वेश्चन और बचे हैं, दो मिनट है, ट्राई करते हैं, हो जाता है नहीं तो फिर से ज्वाइन कर लेना, ओके। इसमें क्या है, ठीक है, कम डिफरेंस है तो हम डिफरेंस ही देखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस देखेंगे, सात और पांच बारह, बारह सात उन्नीस, उन्नीस और उन्नीस नौ अट्ठाईस, ठीक है, और अट्ठाईस और ग्यारह उनचालीस, ग्यारह क्या है, समझ आ रहा रिलेशन, नहीं yes, आ रहा, नहीं आ रहा तो इसका भी डिफरेंस निकाल लो, ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसका भी डिफरेंस निकाल लो, पांच दो सात, सात दो नौ, नौ दो ग्यारह, ग्यारह और दो आ रहा सर तेरह, ठीक है, फिफ्टी टू, नौ तीन बारह का दो हासिल, एक तीन एक चार एक पांच, क्या आ जाएगा आंसर, फिफ्टी टू, वेरी गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई टाइप का दिख रहा है, ठीक है, डिफरेंस देख लो, डिफरेंस अगर देखेंगे तो दो चार छह, छह छह बारह, बारह का नहीं पता है, इसका इसका नहीं पता, ठीक है, तो अगर चार आठ दस ऐसे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, बारह आठ बीस और बीस से दस तीस, यानी कि ये हमारा सही है, ठीक है, ट्वेंटी ये आंसर आ जाएगा, ओके। लास्ट क्वेश्चन है ये, आधार की सीरीज को मुकम्मल कीजिए, ठीक है, क्या हो रहा है, कम यहाँ देखेंगे 24 और 6, ठीक है, यानी एक बार घट रहा है फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है, क्या हो जाएगा, कुछ आइडिया लग रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है क्या, देख सिक्स के टेबल में 24 आता है, नाइन के टेबल में 18 आता है, नाइन के टेबल में 36 भी आता है, ठीक है, सिक्स फोर जो 24, नाइन टू जो 18, ठीक है, सिक्स इधर करेंगे तो सिक्स थ्री जो 18, इधर करेंगे 6 4 24, 9 2 18, 9 4 36, ठीक है, 9 4 36, ये 24 नहीं जा रहा है, 24 नहीं आएगा इसमें, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, सिर्फ इधर का देखेंगे, 6 4 24, 9 2 18, 9 4 36, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, 4 2 4, अभी क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, इन दोनों के बीच का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 2 आना चाहिए, 2 4 2 4 2 ऐसा आना चाहिए, ठीक है, तो समझ में आ रहा है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर पहले हम लोग आपके सामने अगर ये आ गया क्वेश्चन तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पहले ये छोटा है फिर छोटा है फिर छोटा है, तो बड़ा है बड़ा है, 24 से फिर ये छोटा है फिर ये बड़ा हो जा रहा है फिर ये छोटा हो जा रहा है, दैट मीन्स के कम ज्यादा कुछ हो रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा, 9 इंटू 2 करेंगे, 6 4 जा 24 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा, ठीक है, और 9 4 जा 36 हो जाएगा, फिर जो आएगा जो नंबर यहाँ पे आएगा उसका 2 से गुणा करने पर 24 आना चाहिए, यानी 24 को 4 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 आ गया, 34 को फिर 4 से डिवाइड किया तो 9 आ गया, और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12, ठीक है, तो इस तरह से सोच सकते हैं, वैसे इतना टफ आता नहीं है, फिर भी अगर आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको जोड़ घटाओ के हिसाब से करेंगे तो आएगा नहीं आएगा, ठीक है, जोड़ घटाओ के हिसाब से करेंगे, अगर इसको वैसे भी डिफरेंस ज्यादा है, यानी 6 चौक 24 है, अगर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ 18 आएगा, ठीक है, और 6 और इन दोनों का देखेंगे तो ये 12 आएगा, 12 छह 18, फिर इन दोनों को देखेंगे तो 9 आएगा, फिर इन दोनों को देखेंगे तो 17, ठीक है, फिर इन दोनों का देखेंगे क्या आ जाएगा, फिर से वही आ जाएगा 27, फिर इन दोनों का देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9,
तो ये बिल्कुल अजीबो गरीब आ रहा है, 18, 12, 9, 27, 27, 15, ठीक है। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई का देखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई का देखेंगे यानी डिवाइड का देखेंगे, कम हो रहा है, ठीक है, जहां पे कम हो रहा है वहां पे डिवाइड करेंगे, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर इन दोनों को करेंगे तो 4 आएगा, इन दोनों करेंगे 4 आ रहा है, इन दोनों करेंगे तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्यों, 4, 2, 4, तो अब क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, ये सीरीज देख के हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो 12 आ जाएगा, नीचे वाला हम क्यों क्यों नहीं देखेंगे इसको, क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा, ठीक है, ये सीरीज चल ही नहीं रहा, ठीक है, सीरीज चलना चाहिए, सीरीज नहीं चलेगा उसमें छोड़ देना है, तो हमको सिर्फ ये फॉलो करना है, 4, 2, 4, फिर क्या आएगा 2, ठीक है, 12 को 2 से, 2 को 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा 12, ठीक है, समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत, यस सर, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन काफी है प्रैक्टिस के लिए।